नमस्कार, मैं गिरीश भट्ट, न्यू केतन कमीशन स्कूल से। आठवीं कक्षा में फिर से आपका स्वागत है संस्कृत के लिए। और हमारा आज का तीसरा पाठ है डिजी भारतम। तो इसमें सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा, उत्पद्धते यानी उत्पन्न होता है, होती है, परिवर्तन काले परिवर्तन के समय में, अनंतरम यानी बाद में, करगदस यानी कागज का, प्रविधि यानी तकनीकी विधि, चल दूरभाष यंत्रम यानी मोबाइल फोन, रेल यात्रा पत्रम रेल टिकट, वायुयान पत्रम हवाई जहाज का टिकट, सौकर्येण यानी आसानी से सुगमता से, संदर्श यानी दिखलाकर, चिकित्सालय अस्पताल, वस्त्रपुट के यानी जेब, द्रुतगत्या यानी गति से, शुल्कम यानी फीस। तो हम ये छोटा सा निबंध है डिजिटल के ऊपर कि अद्य संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा शुरू थे। आजकल सभी जगह पर डिजिटल 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 ये शब्द सुनाई में देता है। अस्य पदस्य क भाव इति मनसि जिज्ञासा उत्पत्ति। तो इस शब्द का क्या अर्थ है, ये क्या है, उसके बारे में जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तन से मानवस्य आवश्यकता भी परिवर्तते। तो समय के परिवर्तन के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकता भी परिवर्तित होती है। जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती है वैसे वैसे व्यक्ति आविष्कार करने लगता है। और प्राचीन काल में ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिक आसीत। पिछले समय यानी कि प्राचीन समय में जब ऋषिकुल ऋषि आश्रम में जो शिक्षा ग्रहण की जाती थी, उस वक्त आपने देखा होगा टीवीज में, कोई रामायण महाभारत में सीरियल्स में प्राचीन कथा के ऊपर आधारित जो सीरियल होते हैं उसमें, कि गुरु जो है वो ऊपर बैठे हैं एक वृक्ष की छाया में ऊपर ऊंचे स्थान पर, और सारे शिष्यगण जो है विद्यार्थी नीचे बैठते हैं। उनके पास दूसरा कोई पुस्तक लिखने का कुछ कोई सामग्री नहीं होती है, केवल सुनकर ही वो ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो श्रुति विद्या च श्रुति परंपरा ग्रहते स्म। तो मौखिक आदान प्रदान होता था, ज्ञान आदान प्रदान मौखिकम आसीत, मौखिक केवल। तो उनकी स्मरण शक्ति कितनी तीव्र होगी आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बार सुनने पर वो सब उनको याद रखना पड़ता था। अनंतरम तालपत्रों पर ही भोजपत्रों पर ही लेखन कार्यम आरब्धम। और आगे चल करके जो है वो तालपत्र यानी ताड़ के पत्र और के पत्ते और भोजपत्र एक पर एक पेड़ की छाल होती है उसके ऊपर लिखने का काम प्रारंभ किया गया। परिवर्तन काले करगदस्य लेखानम च आविष्कारणम सर्वेषां शामेव मनोगतानां भावना कर्ग दपोरु दो परि लेखनम प्रारब्धम। तो जिस प्रकार से समय परिवर्तित हुआ तो करगदस्य यानी कि कागज, लेखन यानी कलम, इस प्रकार से उसका आविष्कार हुआ। और सर्वेषां सभी के मन की जो भावना होती थी उसके ऊपर वो अब लिखी लिख के प्रेषित होने लगी, लिखी जाने लगी, ताकि उसको आगे आगे भी सुरक्षित रखा जा सके भविष्य में उन विचारों को। टंकण यंत्रस्य आविष्कारण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकाल। आगे चल कर के विज्ञान ने जैसे जैसे प्रगति की वैसे वैसे नई नई चीजें आई, और उसी में टंकण यंत्रस्य ने टाइपराइटर आया। टाइपराइटर एक मिनट। और उसके ऊपर जो है सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। और उस पर छपने वाली, उस पर टंकित होने वाली जो सामग्री थी बहुत समय तक वो सुरक्षित रह सकती थी। विज्ञान प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। जैसे जैसे विज्ञान की प्रगति हुई वैसे वैसे ये यात्रा आगे बढ़ती गई,
और अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नाम वेकेन यंत्रेण यंत्रेण सिद्ध्यन्ति भवन्ति। तो आगे चल करके जो है वो आज हम कंप्यूटर संगणक यानी कंप्यूटर आ गया है और उसके ऊपर सारे कार्य अब संभव होने लगे हैं, यही डिजिटल है। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिखन्ते च। और समाचार पत्र पुस्तक ये सभी हम कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ते भी हैं और उस पर लिख भी सकते हैं। तो इससे क्या फायदा क्या हुआ, लाभ क्या हुआ, हम देखते हैं कि कर्गदोग्य वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्तन्ति स्म, क्योंकि कागज के बनाने के लिए कई सारे वृक्ष काटे जाते थे और परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तन्ते न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। और जैसे जैसे कंप्यूटर के माध्यम से सारे कार्य बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वृक्षों की कटाई भी कम होगी भविष्य में, ऐसा विश्वास है। और अनेन पर्यावरण सुरक्षिता दिशि महान उपकार होगा, और यह कार्य जो है वो पर्यावरण की दिशा में भी महान उपकार होगा इस चीज के ऊपर। अधुना आपने वस्त्रु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। आजकल जो है वो दुकान पर से वस्तु खरीदने के लिए जो है वो पैसे की जरूरत नहीं होती, रखने की जरूरत नहीं होती है। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्तौ। और डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हम वस्तु क्रय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। वित्त कोष इत्यादि सर्वत्र, तो ये सब डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ने रुपए का स्थान ले लिया, स्थानम गृहीतवन्तो। वित्त कोषस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण सम्पाद्यन्ते। और इसी प्रकार से बैंक वगैरह में भी सारे कार्य जो है वो कंप्यूटर के माध्यम से होने लगे हैं। बहुविध अनुप्रयोग मुद्राहीनाय विनिमयाय, मतलब कैशलेस ट्रांजेक्शन, बिना पैसे के जो है वो वस्तु का लेन देन होता है। कई सारे ऐसे इस प्रकार से ऐप आ गए हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत, रेल यात्रा पत्रस्य वायुयान पत्रस्य अनिवार्यता आदि नास्ति। आप अपने को कहीं भी यात्रा करना हो तो रेल टिकट और वायुयान टिकट वगैरह सबको रख साथ में लेकर के घूमने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। यानी सदस्य वयम सौकर्येण यात्रा है आनंदम ग्रहणम, यानी कि हम सारी चीज़ें जो है वो हमारे मोबाइल में ईमेल स्थान पर सुरक्षित होती है और हम सुगमता से अपनी यात्रा का आनंद ले सकते हैं। चिकित्सालय पे उपचारार्थम रूपकाणाम आवश्यकता नानुभूयते, जो है वो चिकित्सालय में अस्पताल में भी जो है वो उपचार कर के लिए उपचारार्थम यानी उपचार के लिए जो पैसे की आवश्यकता नहीं होती नानुभूयते। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातु शक्यते। तो ये सभी चीज़ें ईमेल और कार्ड माध्यम से और ई बैंक के माध्यम से सभी हम जो है वो दे सकते हैं, प्रदान कर सकते हैं। तदिनम नाति दूरम यदा वयम हस्ते एकमात्र चल दूरभाष यंत्र मादाय सर्वाणी कार्याणि साधितुम समर्था भविष्यामय। तो वो दिन दूर नहीं है कि हमारे हाथ में केवल एक चल दूरभाष यंत्र मोबाइल फोन होगा और हम अपने सारे कार्य उससे संपन्न कर लेंगे, उस सारे कार्य करने में वो समर्थ रहेगा। वस्त्रपुट के रूप का नाम आवश्यकता न भविष्यति, जेब में पैसा रखने की आवश्यकता नहीं होती। तो पासबुक
चेकबुक इत्यादि आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक, चेकबुक, यस, इन सब की किसी की भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्रायः भविष्यति। और पढ़ने के लिए पुस्तकों की, समाचार पत्रों की भी आवश्यकता नहीं होगी, वो सभी हमारे पास मोबाइल में ही उपलब्ध हो जाएंगे। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिका याम कर्गदस्य वा नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम शब्दकोशस्य वापि आवश्यकता अपि न भविष्यति, है ना। तो लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका की, कागज की और नए ज्ञान की खोज के लिए शब्दकोश यानी डिक्शनरी की किसी की भी आवश्यकता नहीं है। ये सारी चीज़ें हमारे मोबाइल पर उपलब्ध हो जाती है। अपरिचित मार्ग से ज्ञानार्थम मार्गदर्श कस्य मानचित्र आवश्यकता या अनुभूति अपि न भविष्यति। और किसी अपरिचित स्थान पर जाने के लिए भी हमें किसी मानचित्र नक्शे की या किसी से पूछने की भी आवश्यकता अब नहीं होती। मोबाइल में ये सभी चीज, सारे ऐप उपलब्ध हैं, उसमें हमको वो मार्ग दिखाता है। आपको मालूम होगा, बहुत भीर सारी यात्रा आपने की होगी उस टाइप से। अब शाकादि क्रयार्थम फल क्रयार्थम विश्राम गृहेषु कक्ष सुनिश्चितम कर्तुम चिकित्सालय शुल्क प्रदातुम विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्क प्रदातुम किम बहुना दानामी दातुम चल दूरभाष यंत्र अलम। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सब्जी भाजी खरीदने के लिए, फल वगैरह खरीदने के लिए विश्राम गृहेषु यानी कि कहीं दूर जा रहे हैं तो उसमें हमको होटल बुक करना है, होटल में अपना कक्ष बुक करना है, कमरा बुक करना है, तो उसमें भी हमको जो है वो मोबाइल सुविधा देता है। चिकित्सालय अस्पताल में शुल्क देने के लिए, फीस देने के लिए, और विद्यालय महाविद्यालय महाविद्यालय कॉलेज इनमें फीस देने के लिए, और कहीं भी किसी प्रकार का दान वगैरह देना हो तो सभी में केवल एक मोबाइल ही समर्थ है। मोबाइल से ये सारे काम आसानी से संपन्न हो जाते हैं आजकल। डिजी भारतम इत्यस्य दिशि दिशि वयम भारतीय दुर्गत्या अग्रसर। तो डिजी भारतम, यह हम इसी दिशा में अग्रसर हो रहे हैं, तेजी से बढ़ रहे हैं, और आने वाला कल हमें और भी कुछ नई चीज जानकारी प्रदान करेगा, हम आगे देखेंगे। तो हमने इसमें सीखा, देखा कि जो है वो किस प्रकार से विज्ञान दिन ब दिन प्रगति करता जा रहा है। इसमें प्रश्नोत्तर वगैरह सब उसमें पीडीएफ में डाले हैं, आप इसको देखिएगा। धन्यवाद।